દાદરાનગર હવેલીના નરોલી નજીકના કુંભારવાડીમાં સ્થાપિત ગણેશજીની પ્રતિમાએ ભારે આકર્ષણ જન્માવ્યું છે। હાલમાં ચાલી રહેલ ગણેશોત્સવ નિમિત્તે નરોલી કુંભારવાડીના મહિયાવંશી ફળિયામાં રહેતા ડાન્સ કોરિયોગ્રાફર રીતેશ પટેલે પોતાના ઘરે શ્રીજીની પ્રતિમાની સ્થાપના કરી છે। વાંસ અને અનાજની ખાલી ગુણોથી ભગવાન શિવની 6 ફૂટની બનાવેલી પ્રતિમાએ ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું છે, જેમાં ભગવાન શિવપુત્ર ગણપતિને પોતાની ગોદમાં લઈને બિરાજમાન છે। આ પ્રતિમાને જોવા માટે અનેક લોકો શ્રદ્ધા સાથે ઉમટી રહ્યા છે। નમસ્કાર। એકચ્યુઅલી હમારે ઘર પે 8 સાલ 9 સાલ સે મૂર્તિ ગણપતિ બાપા કી આતી હૈ। ઓર दूसरी बात है, ये जो शंकर भगवान भोलेनाथ महादेव जी बनाया है, महाकाल जी, ये 7 दिनों के अंदर हफ्ते में 3 घंटे दिन के मिलते थे, उसी के अंदर हमने एक काम किया है। उसमें काफी मेरे घर के मेंबर्स है, उन्होंने भी थोड़ा बहुत हेल्प किया है। बिकॉज जो ये 6 फीट की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, ये प्रतिमा को बनाने के लिए टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन कुछ 5-6 लोग मेरे घर के मेंबर्स है, उनके बदौलत ये थोड़ी सी जल्दी हो गई है। और इनको बनाने के लिए हमने 20 रुपए का सिर्फ एक बांबू लिया है, जो बांबू आते हैं गांव में, वो बांबू से हमने उसका स्ट्रक्चर बनाया हल्का सा जीजस के। उसके बाद हमने उसके ऊपर गोनी डाल के पुट्टी मट्टी ये सब मिक्स करके इनका जो सीना है, इनका जो फेस है, उनका जो नाक आप देख रहे हो, तो ये सब बनाने में काफी दिक्कत आई, क्योंकि इनका फेस बनाना, जो आर्टिस्ट बड़े बड़े होते हैं वो बनाने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं और लोखंड का यूज करते हैं, वेल्डिंग कर करके तब जाके उनकी प्रतिमा बनती है। हमको क्या है, 7 दिन के गणपति है हमारे घर पे, और हमको तो इतना है कि जब बहुत जल्दी काम के साथ ये सब कुछ करना होता है, बल्कि ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, फिर भी हम डांस करते करते ये डांस की कला हम लोग ये थ्रू में भी दिखा देते हैं। या भोलेनाथ ये जो थे तो वो तांडव करते थे, और डांस के पहले भगवान मतलब ये हमारे नटराज है, सो नटराज को हम नहीं भूलेंगे। और भोलेनाथ महाकाल की ये मूर्ति जो बापा को स्वयं अपने बच्चे को गोद में लेके बैठे हैं, सो हिमालय पे हमने ये जो थीम बनाया है, सो काफी अच्छा लगा है। और हमको भी बहुत भाया, हमको नहीं पता था कि ये कैसे बनेगा और क्यों कैसे क्या होगा, लेकिन जब हमने देख लिया तो ये बहुत ही बढ़िया हो गया। ये सब बापा के चमत्कार है, तो गणपति बापा मोरिया, और आप सब भी आइए, 7 दिन का गणपति का विसर्जन है। सो कल हमारी पूजा है सत्यनारायण कथा की, सो हमारे ये छोटे से घर में इतने बड़े प्रतिमा को लाना बहुत इम्पॉसिबल था, लेकिन भगवान की कृपा, जहां मेहर है वहां देर नहीं, अंधेर है वहां देर नहीं। थैंक यू।